हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल सोनम्स लाइफस्टाइल। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा जा रहे हैं और अपने ट्रिप को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, साथ ही अपने ट्रिप का जो मज़ा है खुल कर लेना चाहते हैं, अपने ट्रिप को फुल पैसा वसूल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोवा ट्रिप में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको हैट और सनग्लासेस गोवा ट्रिप पर ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप सूर्य की हानिकारक किरणों से अपने आप को बचा सकें और आप खुलकर अपने सफ़र का मज़ा ले सकें। इसके साथ ही दोस्तों, आपको सनस्क्रीन ले जाना, वो भी वाटरप्रूफ वाला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सनस्क्रीन भूल भी जाते हैं तो गोवा पहुंचकर ज़रूर ले लें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप गोवा में हैं तो आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो और आप बिना बीमार पड़े हुए, बिना कमज़ोरी महसूस किए हुए गोवा ट्रिप का मज़ा उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बहुत ही महंगे ज्वेलरी को कैरी करते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके जगह पे आप हल्के फुल्के ज्वेलरी को कैरी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा जा रहे हैं तो इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स को करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इनसे हमें लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमारे ट्रिप का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाता है। तो वाटर स्पोर्ट्स को आप पैकेज में ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने ट्रिप को। साथ ही दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा जा रहे हैं तो पानी में जाने से पहले अपने पर्स, चाबियाँ और कीमती सामान को बाहर रखना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से आपके जो कपड़े हैं और चप्पल जूते हैं वो पानी में जाने वाले अलग होने चाहिए और बाहर घूमने वाले अलग होने चाहिए। तो दोस्तों, इन सब के साथ अगर आप फर्स्ट टाइम गोवा जा रहे हैं तो आपको ढेर सारा कैश कैरी नहीं करना चाहिए। इन सब की जगह अगर आप कार्ड्स कैरी करते हैं तो ये आपके लिए सेफ रहेगा। गोवा जाते वक्त आप अपने आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को ले जाना बिल्कुल ना भूलें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी के लिए यूज़फुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।